हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मंझावली ब्रिज की अपडेट में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में लगभग एक साल बाद फिर से मैं आपको मंझावली ब्रिज की तरफ लेकर आया हूं और अपडेट दिखाने जा रहा हूं फरीदाबाद से नोएडा को कनेक्ट करने वाले मंझावली ब्रिज की जिसको अभी भी बनाया जा रहा है और अभी फिलहाल क्या काम किया जा रहा है कितना काम बचा है आज की इस वीडियो में आप और हम मिलकर देखेंगे लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को, तो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर है, वो एंड हो जाता है मंझावली बाईपास बोल लीजिए या फिर मंझावली ब्रिज से कनेक्ट करने वाली अप्रोच रोड बोल लीजिए जो कि यहाँ पे बनाई गई है लगभग फरीदाबाद में ट्वेंटी किलोमीटर की अप्रोच रोड बनाई गई है से मंझावली ब्रिज के पास की जो अप्रोच रोड है उसके ऊपर काम अभी भी बाकी है आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थवर्क का काम हो चुका है सब ग्रेड की लेयर भी यहाँ पे डाल दी गई है हालांकि यहाँ पे अभी ब्लैक टॉप का, का काम नहीं किया गया है अभी भी यहाँ पे लेवलिंग की जा रही है आर पैनल्स जो है वो दोनों साइड में इंस्टॉल किए जा रहे हैं दोस्तों लगभग लग दोपहर में तीन बजे में घर से निकला डीएनडी एक्सप्रेस वे और फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेस को कवर करते हुए मैंने सोचा एफ एनजी एक्सप्रेस को कवर किया जाए एंड देन फिर मैंने सोचा मंझावली को भी कवर कर लेते हैं लेकिन तिगांव में ट्रैफिक जैम होने की वजह से काफी लो लाइटनिंग की कंडीशन यहां पर बन गई है मंझावली ब्रिज तक आते आते आप कह सकते हैं कि लगभग अंधेरा होने ही वाला है लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं मंझावली ब्रिज दिखा सकूं फिलहाल आप यहां पर देखिए मंझावली ब्रिज से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे अभी चल रहा है मंझावली ब्रिज से जो यहाँ पे ट्रैफिक है वो गुजर रहा है लेकिन यहाँ पे सब जो हैं वो खतरा मोल लेकर अपनी आप कह सकते हैं कि जर्नी को यहाँ पे सफल बना रहे हैं यहां पे आप देखिए मंझावली ब्रिज के ऊपर आप देख सकते हैं अप्रोच रोड की लेवलिंग का काम किया जा रहा है और सिर्फ यही नहीं नोएडा साइड भी अगर आप जाएंगे तो लेवलिंग का काम चल रहा है फिलहाल आप यहाँ पे देखिए चार लेन का मंझावली ब्रिज आपको अब सामने दिखाई दे रहा है जो कि यमुना रिवर के ऊपर बनाया गया है और इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फिनिशिंग का काम है वो अभी भी बाकी है साथ में आप देखेंगे जो क्रैश बैरियर्स हैं उनके ऊपर पेंटिंग का काम कर लिया गया है और इस इसपे काफी सारे जो ब्रेकर्स हैं वो बनाए गए हैं अगर

बनाया है एसपी सिंगला कंपनी ने और हरियाणा सरकार ने इस ब्रिज को बनवाया है साथ ही मैं आपको बता दूं मंझावली ब्रिज की लेंथ सिक्स मीटर्स की है लेकिन फोर किलोमीटर की अप्रोच रोड नोएडा साइड और यहाँ पे 20 किलोमीटर की अप्रोच रोड फरीदाबाद साइड में बनाई गई है जिससे अगर देखें तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट की लेंथ लगभग 24 किलोमीटर की हो रही है और मंझावली ब्रिज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम तो कंप्लीट कर लिया गया है लेकिन जिस तरीके से एक ब्रिज को बनाया जाना चाहिए था उस तरीके से अभी ये तैयार हुआ नहीं है और इस ब्रिज के बन जाने के बाद नोएडा से फरीदाबाद और फरीदाबाद से नोएडा आना जाना काफी आसान हो जाएगा ना सिर्फ फरीदाबाद और नोएडा बल्कि जेवर और गुरुग्राम और साथ ही में दिल्ली के लोगों को भी एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकेगी खास तौर पे आप कह सकते हैं कि मंझावली के लोगों को एक बहुत अच्छा तोहफा मिला है इस ब्रिज के बनने से और ये बन जाने के बाद फरीदाबाद से नोएडा का सफर महज 20 मिनट का रह जाएगा मौजूदा समय में लगभग 65 किलोमीटर पड़ता है यदि आप एन चौक से नोएडा जाते हैं वाया कलिंदी कुंज होके और अगर आप वाया ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस से होकर जाते हैं तो आप लोगों को लगभग थर्टी किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलता है इस ब्रिज के बन जाने से डिस्टेंस भी रिड्यूज हो रहा है ट्रेवल टाइम भी रिड्यूज हो रहा है यहां पे आप देखिए जो पे स्लोप आप देख रहे हैं जो ढलान देख रहे हैं वो काफी ज्यादा कम है ये नोएडा साइड की अप्रोच रोड है जिसको अभी बनाया जा रहा है और यहाँ पे काम काफी हद तक अभी जो है वो बचा हुआ है आप देखिए आरी पैनल्स इंस्टॉल किए जाने हैं एंड देन पे लाके मिट्टी डाली जानी है और लेवलिंग का काम किया जाना है और ऐसे में यहां पे गाड़ियां आ जा रही है और यहाँ की ढलान को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ना जाने कितना खर्चा इस प्रोजेक्ट को बनाने में हरियाणा सरकार ने किया है और मेरा मानना तो ये है कि अगर एफ एक्सप्रेस को बनवाने के लिए ये खर्चा किया गया होता तो ना सिर्फ एक एक्सप्रेस एक एक बनकर तैयार होता बल्कि एक अच्छा प्रोजेक्ट और एक अच्छा आपको ट्रैफिक मूवमेंट एक अच्छी कनेक्टिविटी और काफी ज्यादा कन्वीनियंट और ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा इन्हेंस होता फरीदाबाद और नोएडा के बीच में लेकिन वो सरकार ने नहीं किया चलिए आज की वीडियो में इतने रखते हैं बाकी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा और मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप देख सकें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मैंने यहाँ पे किसी के अगेंस्ट में बात नहीं की है मैं बस बताना चाह रहा हूँ इससे बेटर भी कुछ हो सकता था बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा होप टू सी यू अगेन बाय बाय गाइज़